बसमीम्अल स्टूडेंट यूर वेलकम इन माई YouTube चैनल द फिज़िक्स स्कूल स्टूडेंट आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग कोांटिटी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट अल्टरनेटिंग क्वान्टिट्टी क्या होती है अल्टरनेटिंग पोटेंशल से क्या मुराद है अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है सेकेंडली हम लोगों ने देखा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग कोांटिटी क्या होता है पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होता है तो उसी सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर एम एस वैल्यू इट मीन्स दैट रूट मीन क्वियर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का रूट मीन स्क्र वैल्यू हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे तो इससे पहले हम लोगों ने ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का हमने ये इक्वेशन ड्राइव किया था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी तो यहाँ पे v जो हमारे पास था अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल था वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी था सिमिलरली हम लोगों ने करंट का ये वैल्यू लिखा था एक्सप्रेशन लिखा था i इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आई यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसका वैल्यू है तो स्टूडेंट अगर हम लोग किसी भी सर्किट के क्रास किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट के क्रास ए सी सर्कट के क्रास अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू मैयर करें बाईजिंग आ डी सी एम मीटर तो जो डी सी एम मीटर है अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू मेयर करता है वो हमें ज़ीरो मैयर करके देता है क्योंकि जो डी सी एम मीटर है वो अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू मेयर करेगा वो उसका एवरेज वैल्यू मेयर करता है और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारे पास कितना आता है ज़ीरो आता है तो उसकी रीजन क्या है कि एक डीसी मीटर डीसी एम मीटर अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू जीरो क्यों मैयर करता है तो सबसे पहले अगर हम लोग अल्टरनेटिंग कर्व को देखें ये हमारे पास अल्टरनेटिंग कर्व है स्टूडेंट ये कर्व आप लोग जानते हैं अल्टरनेटिंग कर्व है ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के लिए भी हो सकती है अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी हो सकता है तो मैंने यहाँ पे दोनों को नॉमिनेट कर दिया है ऊपर ये प्लस आई प्लस वी यहाँ पे माइनस आई माइनस वी देखें फ्रॉम जीरो से टी वा टू ये हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकल है और यहाँ पे टी बाय टू से टी तक जो है हमारे पास सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल है मीन आपको पता है कि एक साइकिल के दौरान अल्टरनेटिंग करंट हो या पोटेंशियल हो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है मीन एक साइकिल जो है उसमें हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल है हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल है अगर हम लोग इसका एवरेज ले लें यहीं पे एवरेज अगर हम लोग फाइंड कर लें कि अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज कितना होगा तो आप लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं i i av स्टैंड फॉर एवरेज अगर इसकी पीक वैल्यूज का ले लें ये यह देखिए यहाँ पे इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का पीक वैल्यू ऑफ करंट होगा पॉजिटिव i नॉट और नेगेटिव हाफ साइकिल का पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा प्लस माइनस i नॉट क्योंकि नेगेटिव साइकिल का ये पीक वैल्यू है करंट का टोटल गिनी है वैल्यूज टू हैं डिवाइड करें पॉजिटिव i नेगेटिव i

इसमें आई स्क्यर आर है आई का स्केयर है तो ये जो आई का जब स्केयर लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव पीक वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ करंट पॉजिटिव का भी स्क्यर नेगेटिव का भी स्क्यर तो नेगेटिव का जो स्क्केयर होगा तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा तो उसकेस में पावर डिलीवर्ड बाय दी अल्टरनेटिंग करंट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो बट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो यहां पे करंट का एवरेज ले रहे हैं हम गलत मेथड से ले रहे हैं हमारा टेक्निक गलत है तो हम इसका सही टेक्निक यूज करते हुए एवरेज करंट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को फाइंड करेंगे तो वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की तरह आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं फिर उनका लेते हैं सुकेयर सुर लेने के बाद उन सबका लेते हैं मीन और मीन लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट तो इसका क्या फ्लो होगा लेक्चर का वो मैं आपको इसकी हैडिंग से ही बता देता हूँ कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसका आर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसकी हेडिंग जो है टॉपिक की उसी में इसका सीरीज है इसी में इसका फ्लो है लेक्चर का देखें किस तरह से सबसे पहले हम लोग वैल्यूज करेंगे वैल्यूज का लेंगे वैल्यूज कौन सी होंगी अल्टरनेटिंग और सुकेयर का ले लेंगे मीन अल्टरिडिंग वैल्यूज फॉइंड करेंगे उन वैल्यूज का सुकेयर लेंगे सुकेयर का नेक्स्ट ले लेंगे मीन और मीन का ले लेंगे सुकेयर रूट तो हमारे पास स्टूडेंट जो है आ जाएगा आर एम एस वैल्यू आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी आ जाएगा तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे मेरे पास रेड कलर में देखें अगर आप लोग ये बेसिक कर्व जो है ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है नेगेटिव हाफ साइकिल है ये फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये रेड कलर में मैंने एक अल्टरनेटिंग कर्व ले ली है ये अल्टरनेटिंग कर्व वोल्टेज का भी हो सकता है करंट का भी हो सकता है तो मैंने लेट कर लिया कि ये वोल्टेज का हो गया हमारे पास ठीक है क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों का कर्व सेम ही होगा तो हमारे पास रेड कलर में ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अल्टरनेटिंग वोल्टेज का कर्व है तो ये देखिए यहाँ पे इसका पीक वैल्यू वी नॉट पॉजिटिव पीक वैल्यू रिवर्स में नेगेटिव पीक वैल्यू पॉजिटिव में पीक वैल्यू अब हमने क्या करना है ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज डिटरमाइन हो गई रेड कलर में जो मैंने कर्व ली है ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इसकी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की यहाँ पे रिवर्स हो रहा है नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे इसका रिवर्स में नेगेटिव में पीक वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे जीरो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव में और यहाँ पे इसका पॉजिटिव पीक वैल्यू यहाँ पे इसका फिर ये वैल्यू कितना हो गया जीरो हो गया तो मैंने लेक्चर का फ्लो क्या बताया आपको सबसे पहले हम लोग अल्टरनेटिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे स्क्वायर का मीन लेंगे मीन का रूट ले लेंगे तो हमारे पास आर एम एस वैल्यू आ जाएगा तो हम क्या करेंगे ये जो रेड कर्व है इसका स्क्वायर लेंगे इसका हम लोग जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो हमें कर्व मिलेगी वो ये मैंने ग्रीन कलर में स्क्वायर लेकर इनकी तमाम वैल्यूज़ की ये कर्व ड्रा की है मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे पास जहाँ पे रेड कलर में ठीक है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का कर्व है तो मैंने अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की ये वैल्यूज़ मीन फाइंड कर ली ग्राफ ड्रा कर लिया तो वैल्यूज़ हैं तो मैंने इसको इसका कर्व ड्रा किया यहाँ पे तो यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यूज हो गई रेड कलर में तो मैंने क्या किया है उन वैल्यूज़ का लेना है सुकेयर तो ये जो रेड कलर में पोटेंशियल की वैल्यूज थी यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू नेगेटिव पीक वैल्यू पॉजिटिव पीक वैल्यू उनका सुकेयर लिया है सुकेयर लेने के बाद जो करव मिला है ये ग्रीन कलर में इस रेड कलर का सुकेयर वाला ग्राफ ये जो रेड कलर की वैल्यूज थी इनका सुकेयर जो मैंने लिया है उसे जो मुझे ग्राफ मिला है ये वाला ग्रीन कलर में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया देखें जरा गौर से ये फर्स्ट हाफ साइकिल जो था पॉजिटिव इसका ग्राफ ये बना है ग्रीन कलर में ये पॉजिटिव यहाँ पे ग्रेजुअली फिर से डिक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो वी स्क्वायर सक्यरो ठीक है फिर से ग्रेजुअली डिक्रीज करके यहाँ पे आया फिर देखें यहाँ पे ये नेगेटिव हाफ साइकिल था पोटेंशियल का तो इसका जो ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट हमें वो भी हमें पॉजिटिव में मिल जाएगा क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है वैल्यूज का स्क्वायर लेना है यहाँ पे नेगेटिव में जो पोटेंशियल की वैल्यूज थी उनका जब मैंने स्क्वायर लिया तो वो पॉजिटिव में मिली पॉजिटिव में मिली तो मैंने उसका कर्व उसके लिए ये वाला कर्व आ गया नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर लिया तो पॉजिटिव आया तो उसके लिए कर्व मेरे पास ये आ गया सेकंडली देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कर्व बन रहा है पोटेंशियल का तो इसकी वैल्यूज गिवन है इनका जब मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास ये इसका कर्व यहाँ पे इसको मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पे शो कर दिया है तो ये जो ग्रीन कलर का लाइन ग्राफ आ रहा है ये रेड कलर की जो अल्टरनेटिंग वैल्यूज़ हैं उनका मैंने स्क्वायर लेके जो मेरे पास ग्राफ बना है उसको मैंने ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया ज़रा गौर से देखें इनिशियली यहाँ पे ग्राफ जब स्टार्ट हो रहा है ग्रीन कलर में जो कि रेड कलर वाले ग्राफ के स्क्वायर की वैल्यूज़ का ग्राफ है तो ये देखिए इनिशियली जो है ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो नीचे है ठीक है किस से रेड कलर वाले ग्राफ से हालांकि जो रेड कलर की वैल्यूज़ थी जो पोटेंशियल की वैल्यूज़ थी उसका स्क्वायर लेके मैंने ग्राफ प्लॉट किया जिसको मैंने ग्रीन कलर में प्लॉट किया है तो इसका ग्राफ इनिशली यहाँ पे देखें बिलो है नीचे है इसकी रीज़न क्या है देखिए शुरू में यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें अगर आप लोग तो यहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो पोटेंशियल ज़ीरो है तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो गया दोनों का पॉइंट सेम है अगर नेक्स्ट में बात करूँ यहाँ पर मेरे पास हो गया सपोज कर लें इनिशियली पॉइंट फाइव इसकी वैल्यू आई यहाँ कहीं पे पर ये जो पोटेंशियल था रेड कलर में इसकी वैल्यू अगर पॉइंट फाइव आई है तो पॉइंट फाइव चूँकि मैंने वैल्यू इसका स्क्यर लेना है अगर यहाँ पे पॉइंट फाइव था उसका स्क्यर किन्ना हुआ इसका स्क्यर हुआ ज़ीरो पॉइंट टू फाइव सिमिलरली मेरे पास वैल्यू आती है पॉइंट फ़ोर कहीं पर आया तो इसका स्क्यर लिया किन्ना आया ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स आया सिमिलरली हमारे पास जो है करवाई पॉइंट आया ज़ीरो पॉइंट सेवन इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया जीरो पॉइंट फोर नाइन ये ग्राफ जो ग्रीन कलर का ग्राफ है यहां से लेकर यहाँ तक ये यह नीचे इसी वजह से है कि यहां से लेकर यहां तक जो रेड कलर की वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल फ्रैक्शंस में है. तो उन वैल्यूज का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ देखिए पॉइंट फाइव का स्क्वायर लिया तो पॉइंट टू डिक्रीज हो गया उसका सेम पॉइंट फोर पॉइंट फोर का स्क्वायर लिया है तो पॉइंट वन सिक्स उसका वैल्यू फर्दर पॉइंट फोर से पॉइंट वन सिक्स हो गया है. तो यही वजह है कि यहाँ पे जो ग्राफ है ये रेड कलर वाले ग्राफ से ग्रीन कलर का ग्राफ नीचे है क्योंकि जब मैंने ये V की वैल्यूज़ थी जिनको मैंने रेड कलर से प्रजेंट किया है ठीक है उनका जो मैंने स्क्वायर लेकर ग्राफ ड्रा किया यहाँ पे वो बिलो होगा रेड कलर वाले से और ग्रेजुअली देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर कर गया ग्रीन कलर का ग्राफ देखिए वो किस तरह से अगर सपोज करें यहाँ पे इसकी वैल्यू टू थी रेड कलर पोटेंशियल की ठीक है टू का मैंने स्क्वायर लिया कि ना आया फोर आ गया तो फोर इसका पॉइंट कोई ऊपर बनेगा सिमिलरली अगर यहाँ पे फाइव थी इसकी वैल्यू पोटेंशियल की फाइव का स्क्वायर लिया तो ट्वेंटी फाइव आ गया यहाँ पे फाइव था तो यहाँ उसका आंसू ये कोई ट्वेंटी फाइव बनेगा अगर आगे हमारे पास सिक्स वैल्यू आ रही थी कोई तो सिक्स का स्क्वायर लिया वो कितना बन गया थर्टी सिक्स हो गया तो यहाँ पे अगर सिक्स था तो इसका स्क्वायर लिया तो थर्टी सिक्स जे को पॉइंट बना अगर सपोज कर लें इस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का जो पीक वैल्यू है वी नॉट वो मेरे पास था सेवन लेट्स सपोज वो सेवन था यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर सेवन था तो इन तमाम वैल्यूज़ का मैंने स्क्वायर लेना है तो सेवन का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास सेवन का स्क्वायर आ गया फोर्टी नाइन तो इसका इसका वैल्यू यहाँ पे सेवन था उसका स्क्वायर लिया तो फोर्टी नाइन तो ये वाली पीक वैल्यू ये वी नॉट स्क्वायर किसकी इक्वल होगी फोर्टी नाइन होगी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इनको वैल्यूज़ को ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए फोर्टी नाइन तो ये इसका वैल्यू ये कोई देखें पीक बनेगा यहाँ पे वी नॉट था वी नॉट का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे ये बड़े वाला ग्राफ बनेगा ग्रेजुअली फिर से देखें वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं यहाँ पे फोर्टी नाइन यहाँ पे अगर सेवन था तो ठीक है वैल्यूज फिर से डिक्रीज कर रही हैं तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है यहाँ से ग्राफ नीचे आता हुआ यहाँ पे फिर से ज़ीरो यहाँ पे दोनों पोटेंशल ज़ीरो वैल्यूज भी स्क्यर भी जीरो अब जब ये नेगेटिव में करवाया है पोटेंशियल की वैल्यू रिवर्स हो गई है वो किस तरह से हम लोग डील करेंगे सपोज कर लें यहाँ पे माइनस हमारे पास टू था ये कोई नीचे वैल्यू थी पोटेंशियल की इसका स्क्यर लिया तो पॉजिटिव फोर बन गया माइनस थ्री था तो स्क्र लिया नाइन बन गया माइनस फाइव था सपोज कर लें तो वो बन गया ट्वेंटी फाइव ये जो रिवर्स में ग्राफ जा रहा था अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का जो ग्राफ था उसकी वैल्यूज नेगेटिव में थी उनका स्केयर लेते गए तो आंस मिला पॉजिटिव तो यही वजह है कि इस नेगेटिव हाफ साइकिल का ग्राफ यहाँ पे पॉजिटिव ड्रा किया जाएगा जो यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे ड्रा किया है सेम अगर ये पीक वैल्यू इसकी लेट्स सपोज सेवन वोल्ट थी तो उसका स्क्यर लिया सेवन का माइनस सेवन का स्क्यर लिया क्योंकि रिवर्स में है तो ये बन गया पॉजिटिव फोर्टी नाइन तो ये यह इसका यहाँ पे नेगेटिव सेवन था अगर लेट्स सपोज तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में हो जाएगा मीन अगर हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज या जो भी कर दी हुई है उसके नेगेटिव हाफ साइकिल का जब हम लोग सुकेयर लेंगे तो हमारे पास उसकी जो वैल्यूज़ बनेंगी वो पॉजिटिव में आएगी तो वो नगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव में ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा सिमिलरली नेक्स्ट में मैंने यही किया ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आया है तो फिर से यहाँ पर जो ग्रीन कलर का ग्राफ है उसका वैल्यूज़ उसका जो शेप है वो थोड़ा नीचे है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यूज डेसिमल में होंगी डेसिमल का जब स्क्वायर लेंगे तो वैल्यूज़ फर्दर डिक्रीज करेंगी तभी ये ग्राफ नीचे है फिर से जब वैल्यूज इंक्रीज करेंगी डेसिमल से हम बाहर आएंगे टू थ्री फोर पे जाएंगे तो उनका स्क्वायर लेके उसकी स्क्वायर लेते जाएंगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी यही वजह है कि ये ग्राफ यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल गया तो यहाँ पे अभी तक मैंने दो ग्राफ आपको समझाए हैं रेड कलर में अल्टरनेटिंग पोटेंशियल और उसकी तमाम वैल्यूज का स्क्वायर लेके मैंने ग्राफ ड्रा किया ग्रीन कलर में तो यहाँ पे उसकी ये मैक्सिमम पीक वैल्यू वी नॉट स्क्यर ये भी वी नॉट स्क्र ये भी वी नॉट स्क्यर और तमाम अल्टरनेटिंग वैल्यूज़ का ये स्केयर लेके मैंने ये ग्रीन कलर में यहाँ पे प्लॉट ड्रा कर दिया नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू स्वेयर हो गया अब क्या लेना है मीन लेना है अब देखिए हमारे पास अल्टरनेटिंग कर्व जो आ रही थी रेड कलर में इसका स्क्यर लिया तो हमारे पास जो ग्राफ बना ये ग्रीन कलर में मैंने ड्रा किया अब उन तमाम वैल्यूज़ का क्या लेना है नेक्स्ट हम लोगों ने मीन लेना है ठीक है मीन किस तरह से लेंगे

सबसे पहले वैल्यूज को डिटरमाइन करना है स्क्वायर लिया स्क्वायर लिया तो ये ग्राफ बना ग्रीन कलर में स्क्वायर का मीन लिया मीन मीन टू से डिवाइड किया तो ये मेरे पास ब्लू कलर में मैंने लाइन लगाई हुई है मीन अब यहाँ से रेफरेंस लाइन से लेकर यहाँ तक ये यह जो देखें ग्रेजुअली यहाँ पे ग्रीन कलर में वैल्यूज इंक्रीज हो रही थी यहाँ पे मैक्सिमम था ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था यहाँ पे फिर जीरो हुआ ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था नेगेटिव हाफ साइकिल तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया यहाँ तक वीन नॉट स्क्वायर का वैल्यू मिल गया तमाम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की वैल्यूज यहाँ पे सुकेयर में मैंने ग्राफ में प्लॉट कर दी लेकिन जब उनका मीन लेना है तो ये जो ब्लू कलर है यहाँ मीन लाइन से लेकर यहाँ तक ये सारे मीन पोटेंशियल सुकेयर मीन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी दिस ब्लू लाइन विल इंडिकेट दर मीन पोटेंशल या मीन सुकेयर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी ठीक है नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट हम लोगों ने रूट लेना है जब इसका लेंगे हम लोग रूट तो रूट हमारे पास आ जाएगा यहाँ ये ब्लू कलर आ रहा था हमारे पास सुकेयर मीन सुयर पोटेंशियल का वैल्यू आ रहा था जब उसका फर्दर रूट लेंगे तो हमारे पास उसका जो वैल्यू बनेगा ये बनाया है मैंने यहाँ पे ये ब्लैक कलर में मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है ये डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है तो ये वाला जो वैल्यू है स्टूडेंट ये हमारे पास आर एम एस वैल्यू ऑफ़ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का कहलाएगा या आप इसे बोल सकते हैं आर एम एस वैल्यू ऑफ़ अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी किस तरह से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे ए, मेरे पास रेड कलर में एक अल्टरनेटिंग साइकिल था अल्टरनेटिंग कर्व थी उसकी तमाम वैल्यूज़ का मैंने स्क्वायर लिया स्क्वायर लेके मेरे पास ये ग्रीन कलर में कर्व मिला स्क्वायर के बाद मैंने मीन लिया इन तमाम ग्रीन कलर का मैंने जब मीन लिया तो यहाँ पर मुझे ब्लू कलर में एक लाइन मिली जो रेफरेंस लाइन इनिशियल लाइन से जहाँ तक इसकी वी नॉट स्क्वायर ओवर टू का वैल्यू था जब उसका मैंने नेक्स्ट क्या करना है रूट लेना है तो मैंने इसका रूट लिया तो मेरे पास जो वैल्यू बनी वो हुई आर एम एस वैल्यू और ये आर एम एस वैल्यू को मैंने ब्लैक कलर में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जो कि यहाँ से लेकर ये मैंने रिप्रजेंट किया हुआ है ब्लैक कलर में इधर ये यहाँ से मेन पोजिशन से लेकर यहाँ तक इसका आर एम एस वैल्यू वी क्योंकि ये पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो ये वी आर एम एस स्ल सिमिलरली अगर आप लोग ये हाफ वी नोट जो मीन स्क्वायर पोटेंशियल निकाला है हम लोगों ने इसको मैंने यहाँ से ये रिप्रेजेंट किया है ब्लू कलर के अंदर सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में यहाँ रेफरेंस लाइन से यहाँ तक लेकर ये वी नॉट का वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू है तो अब हम लोग अगर इसका मैथीमेटिक्स निकालें ये तो मैंने आपको वैसे समझा दिया कि हम लोगों ने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वान्टिटीट अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कैसे निकाला है अगर इसका मैथीमेटिक्स निकालें तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं देखिए ज़रा गौर से किस तरह से अगर हम लोग बात करें सबसे पहले हम लोग निकाला है मीन स्क्वायर वैल्यू मीन वैल्यू हम लोग ले रहे हैं actually, की. तो हम लोग किस तरह से लेंगे, लेंगे? आई मैं आपको बताता हूं ठीक है यहां पे देखें ये ग्रीन कलर जो है जो मैंने यहां पे बनाया हुआ है ऑलरेडी यहां से ग्राफ में तो मैंने लिया हुआ है अब उसका मैथमेटिक्स में यहां पर लिख सकता हूं यहां पे इसको मैं लिख देता हूँ वी सुकेयर इसको लिख देता हूं एम एस

यहाँ पे अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कितना है जीरो यहाँ पे कितना है वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे कितना है जीरो यहाँ पे कितना है वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे कितना है जीरो यहाँ पे कितना है वी नॉट स्क्वायर बस इन सब को ऐड कर दें और टोटल नंबर से आप लोग इसको डिवाइड कर दें किस तरह से ये यह देखें यहाँ से यहाँ तक ये यह कितना है जीरो नेक्स्ट कितना है यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे कितना है

फोर फाइव सिक्स सिक्स पॉइंट्स पे मैंने अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का वैल्यूज लिया है उनको ऐड किया है. उनकी स्क्वेयर्स हैं सिक्स पॉइंट से डिवाइड कर लें ठीक है ऐड कर लें जीरो प्लस वी नॉट स्क्र प्लस वी नॉट स्क्वेयर टू वी नॉट स्क्र थ्री नॉट स्क्र तो हमारे पास मीन स्क्र वैल्यू आ गया वी एम एस इज इक्वल टू थ्री वी नॉट dividing डिवाइडिंग बाय सिक्स इन शॉर्ट वी नॉट over ओवर टू दिस इज mean square वैल्यू आप इसको सिंपली आप इसको यूं लिख दें वी एम एस लिख दें मीन square या इसको आप फिर आई थिंक so, इस तरह से लिख लें वी स्क्र ठीक है एट अ टाइम आप सब्सक्रिप्ट में मेरे ख्याल में इसको ना यूज करें तो बेहतर है आप इसको मैं इधर इसको चले मीन स्क्र को रेज कर देता हूँ यहां से

वैल्यूज स्क्वायर मीन यहां तक हम लोग ने उसको कर लिया अब रूट लेना है इसका रूट लें ठीक है ये हो जाएगा वी आर एम एस तो रूट लेना है वी स्क्वायर स्क्वायर रूट ले इसका दोनों साइड पे ही क्वॉइन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें वी नॉट स्क्वायर ओवर टू इधर भी स्क्वायर रूट ले लें ठीक आंसर हो गया ये हो गया वी आर एम एस अब इसको वी भी बोल दें सिंपली क्योंकि स्क्वेयर के साथ स्क्र रूट कैंसिल हो गया इसका ठीक है ये हो गया वी नॉट स्क्र ये स्क्वेयर रूट को आप लोग सेपरेटली लिख सकते हैं इसमें स्क्र के साथ स्क् रूट कैंसल हो गया वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर स्क्र रूट ऑफ टू वट इज दिस दिस इज द रूट मीन स्क् वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं आप रूट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल रूट ऑफ टू अगर इसको हम लोग सोल्व करें स्टूडेंट देखें वन ओवर अंड्रू टू को अगर हम लोग सोल्व करें तो इसका जो आंसर बनता है वी आर एम एस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फॉर दी आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इसका एक और एक्सप्रेशन हो गया स्टूडेंट से देखें अब और से देखें वी आर एम एस रूट मीनस वैल्यू रूट मीन सुर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू पॉइंट सेवन इंटू वी नॉट वी नॉट क्या और से देखें दिस नॉट ये कर थी जो हमारे पास इनिशियल कर थी रेड कलर की अल्टरनेटिंग वोल्टेज की उसी का स्क्वेयर लिया तो ये ग्रीन कलर वाली कार मिली उसी का मीन लिया तो ये ब्लू कलर वाली लाइन मिली उसी का आरएमएस लिया तो ये ब्लैक कलर वाली लाइन मिली तो अब यहां पर देखिए रेड कलर में वी आर एम एस किधर है इसका वैल्यू किधर है ये ये ब्लैक कलर में अब ये किस तरह से हम लोगों ने फाइंड किया देखिए इसका वैल्यू इक्वल है पॉइंट सेवन इंटू वी नॉट जो v नॉट था इनिशियल हमारे पास नॉट v नॉट स्केयर v नॉट स्केर ये है ये है ये है हम सिर्फ v नॉट की बात करें v नॉट तो ये है रेड कलर में यहां पे ठीक है v नॉट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें डेसिमल फ्रैक्शन के साथ लेस देन वन के साथ मल्टीप्लाई करें पॉइंट सेवन के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो वी आर एम एस वैल्यू होगा वो पीक वैल्यू से कम होगा ठीक है तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ में बनाई हुई है अगर आप लोग तो यहां से लेकर यहां तक ये पीक वैल्यू यहां पे नहीं है अलिंग वोल्टेज की मैक्सिमम लेकिन जो आर एम एस है देखे जरा गौर से वो पीक वैल्यू से थोड़ा कम है ये देखें पीक वैल्यू यहां पर बांध रही है यहां पर बांध रही है लेकिन जो आर एम एस ब्लैक कलर में मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है देखिए पीक वैल्यू यहां है आर एम एस वैल्यू ब्लैक में ये डॉट्स उससे नीचे हैं ये एक्सप्रेशन से हमें इसकी ये कोई वैल्यू मिलेगी और ये हमारे पास इसकी क्या कलाएगी आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कलाएगी यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ वी आर एम एस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका जो आर एम एस वैल्यू होगा रूट मीन स्क्र वैल्यू होगा ठीक है वो इक्वल है पॉइंट सेवन इन टू वी नॉट मीन वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज पॉइंट सेवन से मल्टीप्लाई हो रहा है जब पॉइंट सेवन से मल्टीप्लाई हो रहा है मीन लेस देन वन से मल्टीप्लाई हो रहा है

और ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में डॉट से रिप्रेजेंट किया है यहाँ मीन से लेकर यहाँ तक अब ये तकरीबन कॉन्स्टेंट है इसमें देखिए नेगेटिव साइकिल जो था वो पॉजिटिव में हम लोगों ने उठा कर रख दिया स्क्वायर लिया जब नेगेटिव साइकिल का तो उसकी वैल्यूज पॉजिटिव में आ गई तो आप देखें जरा गौर से जब हम लोगों ने आर एम एस वैल्यू फाइंड किया है ठीक है तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट लाइन मिल रही है ये ना ऊपर जा रही है नीचे आ रही है तकरीबन एक सिमिल सेम वे में जा रही है स्ट्रेट लाइन मिल रही है ब्लैक डॉट्स में इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है और ये अल्टरनेटिंग इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी इसकी एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी ठीक है तो आपके पास जितने भी मीटर्स हैं ठीक है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल आप निकालते हैं अल्टरनेटिंग करंट निकालते हैं वो आपको एक्चुअली आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहे होते हैं ठीक है आर एम एस वैल्यू मेजर करके दे रहे होते हैं अल्टरनेटिंग पोटेंशियल आप मेजर करते हैं कोई भी मीटर आपके घर में आपकी लैब के अंदर ठीक है एक्चुअली आप लोग आर एम एस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ठीक है आप एम लगा रहे हैं सर्किट में कहीं भी वो आपको आर वैल्यू दे रहा है तो मैंने करंट का यहां पर सेम वे में हमारे पास जो आई आर एम एस होगा रूट मीन स्वयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई आर एम एस वो भी सेम कैसे होगा आई नॉट क्योंकि तो जिस तरह से अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया है सेम अगर आप लोग करंट के लिए ये ले, ले लेते ये वी नॉट की जगह आई नॉट लिख देते उसका स्क्वायर यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर की जगह पे आई नॉट स्क्वायर हो जाता फिर उसका मीन ले लेते वन ओवर टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन ओवर टू आई नॉट स्क्वायर हो जाना था फिर उसका स्क्वायर रूट लेते तो ये भी वही आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट टू बनना था तो सेम एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन जहाँ पे हमारे पास आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल करंट का भी होगा आई नॉट डिवाइडिंग बाय रूट टू आप इसको भी यू लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू इसको सॉल्व करें जीरो पॉइंट सेवन आई नॉट दिस इज़ एक्सप्रेशन फॉर दी रूट मीन्स केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर दी रूट मीन्स केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वान्टिटीटी ये पेपर में एम्स न्यूज़ आता होता है स्टूडेंट वो आपको कोई भी पीक वैल्यू देगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज की तो पूछेगा कि आर एम एस वैल्यू निकालें इसकी या फिर आपको आर एम एस वैल्यू देगा तो बोलेगा कि पीक वैल्यू निकालें अगर पीक वैल्यू दे तो इस बार हम पुट कर दें पीक वैल्यू वी नॉट की वैल्यू आर एम एस का वैल्यू आ जाएगा अगर वो पीक वैल्यू वी नॉट दे और आपसे रूट मीन्स के वैल्यू पूछे तो आप वी नॉट यहीं पर रहने देंगे पॉइंट एवं इधर मल्टीप्लायर इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो पीक वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो ये हमारा आज का लेक्चर था लेकिन एक चीज़ मैं आपको और कैश करवाता चलूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो सप्लाई आ रहा है हमारे घरों में सप्लाई आ रहा है अगर आपने मेयर किया हो डेली लाइफ में तो वो एक्चुअली जो हम लोग मैयर करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो कौन सी हम वैल्यू हम मेयर करते हैं हम लोग आर एम एस वैल्यू मेयर करते हैं रूट मीन के वैल्यू मेयर करते हैं और यूजुअली पाकिस्तान में कितना होता है आर एम एस वैल्यू जो हमारे घरों में आ रहा है सप्लाई अल्टरनेटिंग वन ट्वेंटी वोल्टो वन ट्वेंटी वो दिस इज अ रूट मीन मीन्सर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाई इन आवर हाउसेज हमारे घरों में जो सप्लाय आ रहा है उसका ये वैल्यू है तो इसका पीक वैल्यू कितना जो हमारे घरों में सप्लाई आ रहा है उसका पीक वैल्यू कितना होगा निकाल लें आप लोग ठीक है इसको अगर आप लोग निकालना चाहते हैं ठीक है आप लोग पुट करें यहां पे इस वैल्यू में वी आर एम एस मैं दोबारा लिख देता हूँ वी नॉट डिवाइडिंग डिंग रूट आप टू तु। तुम्हारे पास वी आर एम एस कितना है वन ट्वेंटी वोल्ट है वी नॉट ओवर टू है पीक वैल्यू वी नॉट कितना हो गया वन ट्वेंटी वोल्ट मल्टीप्लाई ये टू इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा वी नॉट वन ट्वेंटी वोल्ट मल्टीप्लाई पॉइंट सेवन तो इसका जो वैल्यू बनता है आई थिंक सो राउंड अब आउट जो है मैं अंदाजे में लिख रहा हूँ तकरीबन वन सेवेंटी टू पॉइंट फोर समथिंग जो भी है वोल्ट बनता है ये मैंने अंदाजे से लिखा है आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा जो भी बनती है लेट्स सपोज मैंने ये वन सेवनटी टू पॉइंट समथिंग लिख दी तो है फिर अगौर से देखें इसका आंस वन टवेंटी से ग्रेटर ही होगा जो वी नॉट हो आपके घरों में जो सप्लाई सप्लायर हैं वन टवेंटी वोल्ट है आप मीटर से मेयर करते हैं एक सौ बीस वोल्ट आता है ठीक है लेकिन उसमें पीक वैल्यू कितना है ठीक है पी की वैल्यू उसके अंदर कितने हैं अब इस पर से निकाल लें वी नॉट निकाल निकालें तो वी नॉट यहाँ पे वी नॉट यहीं पर मल्टीप्लाई हो गया इसको रूट को हम बोल या जो भी इसका आंसर बनता है या जो भी बनता है ये मैंने यहाँ पे वैसे पॉइंट सेवन लिख दिए सॉरी अंडर रूट टू ही लिखे इसको जो भी इसका आंसर बनता है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो वी नॉट का वैल्यू वन ट्वेंटी से ही होगा आप चेक कर लीजिएगा तो ये राउंड अबाउट वन सेवन टू बनता है तो आप देखिए हमारे घरों में जो सप्लाई आ रहा है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है उसमें हम लोग जो वैल्यू मेयर करते हैं एक वोल्ट है वो रूट मीन वैल्यू कर, कर के वैल्यू मेयर करके देता है हमें मीटर जो होता है वोल्ट मीटर लेकिन उसके अंदर पीक वैल्यू की नहीं होती है वन सेवन टू पॉइंट समथिंग वोल्ट का एक मैक्सिमम वैल्यू भी होता है उसके अंदर ठीक है हमें जो नजर आ रहा होता है मीन ऐसे है कि एक हमें लग रहा है कि एक ही आ रहा है हमारे घरों में लेकिन उसके अंदर इतना वैल्यू भी होता है और ये कौन सा वैल्यू उसका पीक वैल्यू ठीक है तो इसके साथ ही ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे था इसके रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो ठीक है वो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़